कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु चरणों में लिपट रहना। कुछ लेना न देना मगन रहना। सोचिए कि आप क्या चाहते हैं, आपके दिल की मांग क्या है, दिल की आवाज क्या है। हर मनुष्य सुख चाहता है, सुख से जीना चाहता है, प्रसन्नता से जीना चाहता है। दुख, पीड़ा, कष्ट, वेदना, संताप कोई नहीं चाहता। दुनिया में दुख किसी को पसंद नहीं है। अपने अपने ढंग से हर आदमी दुख से बचना चाहता है और पूरी जिंदगी सुख में जीना चाहता है, प्रसन्नता होकर जीना चाहता है। क्या आपको प्रसन्नता मिल गई पूरी? जैसा सुख आपको चाहिए का वैसा सुख मिला? और नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, गलती कहां हो रही है? जिंदगी भर हर आदमी सुख पाने के लिए ही मेहनत कर रहा है, लेकिन लगता है हर आदमी को कि जैसा सुख चाहिए वैसा सुख आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आप सुख की खोज गलत दिशा में कर रहे हो, गलत जगह में कर रहे हो। सुख नहीं है ऐसा नहीं है, है सुख, लेकिन जहां सुख है वहां नहीं खोजते, और जहां नहीं है खोज वहां कर रहे हैं। बाहर से आपको खाने पीने की चीजें मिलेगी, कपड़े लत्ते मिलेंगे, सोना चांदी हीरा मोती के गहने मिल जाएंगे, मकान मिलेंगे, जमीन मिलेगी, गाड़ी घोड़ा मिलेंगे और बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन बाहर दुनिया में कहीं खोज करके आ जाओ सुख नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा हो, आप जमीन खरीद सकते हो, मकान खरीद सकते हो, कीमती से कीमती गाड़ियां खरीद सकते हो, हीरे मोती के गहने खरीद सकते हो, लेकिन कितने भी पैसे आपके पास हो आप सुख नहीं खरीद सकते। सुख पैसे से नहीं मिलता, और लोग दौड़ रहे हैं कि हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। यदि पैसा से सुख मिलता तो दुनिया का हर आदमी सुखी, हर धनी आदमी सुखी हो गया होता। लेकिन स्थिति यह है, जैसा एक गरीब दुखी है वैसा ही एक अमीर दुखी है, धनवान दुखी है। बस धनवान का सुख बाहर से दिखाई पड़ता है।
पैसा आपके पास है, अब तमाम चीजें खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद पाओगे। और विश्वास न हो तो आप एक प्रयोग करो, 10 लाख नहीं 10 करोड़ रुपये लेकर के चले जाओ पटना, आपके बिहार की राजधानी, बड़ा शहर। और पटना के सबसे बड़े बाजार में चले जाना, जहाँ बड़ी बड़ी दुकानें लगी हुई, और दुकान दुकान जा कर के दुकानदारों से कहना, भैया मैं सुख खरीदने आया हूँ, ये 10 करोड़ रुपया ले लो, ज़्यादा नहीं मुझे 50 ग्राम सुख तौल करके दे दो। दुकानदार देगा आपको सुख। किसी दुकान में सुख बिक रहा है पटना के, दिल्ली या मुंबई कलकत्ता के, 10 करोड़ नहीं 10 अरब रुपया दे करके 50 ग्राम, तो क्या 10 ग्राम सुख नहीं खरीद सकते आप? सुख बिकता नहीं है बाजार में, और सुख खोज रहे हो आप बाहर। बाहर से चीजें मिलेंगी, चीजों से जीवन का निर्वाह होगा, सुविधा मिलेगी, चीजों से आप सेवा कर सकते हो, चीजों से आप, पैसा से आप सुख नहीं खरीद सकते, सुख आपके भीतर है। हर आदमी के भीतर सुख का खजाना भरा है, सुख का झरना, जैसे आपके बगल में गंगा बह रही है, ऐसे हर आदमी के भीतर सुख की धारा बह रही है, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि भटक रहे हैं बाहर। दो तीन काम करना होगा आपको, फिर आगे चलूंगा। सुबह बात आई थी, सुखी रहना चाहते हो तो मेहनत तो आप कर रहे हो, खेती करते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, मजदूरी करते हो, और बहुत से काम धाम करते हो। हर आदमी अपने अपने ढंग से काम कर रहा है, और जिंदगी भर काम करना है क्योंकि जिंदगी भर खाना है। तो जो काम कर रहे हो आप, उस काम के परिणाम में आपको जो भी मिल जाता है उसमें आप संतोष रखना। अजी सुखी रहना चाहते हो तब, उसमें आप संतोष रखना। दूसरी बात, जिस घर परिवार में रहते हो, छोटे स्त्री पुरुष छोटे बड़े सबके साथ प्रेम विश्वास सेवा और समर्पण पूर्वक व्यवहार करना। और चौथी बात, अपने मन में अच्छे विचार रखना। शरीर से मेहनत, मेहनत से जो मिले उसमें संतोष, लोगों के साथ प्रेम विश्वास सेवा समर्पण का व्यवहार, और मन में अच्छे विचार। फिर फूस की झोपड़ी में रह करके आप महासुखी हो सकते हो। कबीर साहब का भजन याद होगा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख होई है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। ये राम भजन क्या है? राम राम दोहराते रहना, राम का नाम जपना राम भजन नहीं है। राम का नाम लो, रहीम का नाम लो, गुरु का नाम लो, शिव का नाम, अल्लाह का नाम, विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम, जो नाम आपको पसंद हो वो नाम लो। लेकिन ये नाम जपना, ये भजन नहीं है। जो सुख हुई है राम भजन में,
सच्चा सुख कहाँ है? राम भजन में है। और राम भजन क्या है? राम भजन है अपने जीवन की गलत आदतों का त्याग करते जाना, मन में संतोष रखना और अच्छे विचारों को मन में बना कर करना, ये राम भजन है। लोग राम राम तो जप लेते हैं, कुछ लोग सतनाम सतनाम जप लेते हैं, कुछ लोग कबीर कबीर जप लेते हैं, लेकिन अपनी गलत आदतों का त्याग नहीं कर पाते। भजन भजन है क्या? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अपनी जो गलत आदतें हैं उन आदतों का सुधार कर लेना, ये राम भजन करना है। जिसके मन में संतोष है, प्रेम है और गलत आदतों का त्याग है, अच्छे विचार में मन डूबा हुआ है, वो आदमी हर समय राम भजन कर रहा है, भले मुख से राम ना कहता हो। मुख से राम राम कहने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आदमी दिखावा में पड़ गया है और दिखावा में पड़ने वाली स्थिति क्या होती है? मुख में राम बगल में छुरी। बड़े बड़े लोग हैं, राम राम जपते रहते हैं। मैंने कहा था कि राम को कुछ भी कहो, क्योंकि राम नाम बहुत प्रसिद्ध है। राम राम जपते हैं लेकिन स्थिति क्या है? राम नाम जपना पराया माल अपना, कहाँ राम भजन हो रहा है? राम राम जप रहे हैं, दुकान में दाढ़ी पसंगा मार रहे हैं। राम राम जप रहे हैं, मिलावटी सामान बेच रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, दो नंबर का सौदा कर बेच रहे हैं, कहाँ राम भजन हो रहा है? राम राम जप रहे हैं अब बिना घुस लिए काम नहीं करते, कहाँ राम भजन हो रहा है? राम राम जप रहे हैं जैसा चाहिए वैसी मेहनत नहीं करते, राम राम तो जप रहे हैं, ना ईमानदारी है, ना सरलता है, ना विनम्रता है, ना दया है, ना क्षमा है, ना त्याग है, ना संतोष है, ना प्रेम है, कहाँ राम भजन हो रहा है? राम भजन कहो, हरि भजन कहो, कबीर भजन कहो, बात तो एक ही है। अपनी बुराइयों का त्याग, अपने दोषों का त्याग, अपने गलत आदतों का त्याग, यह राम भजन है। और ऐसा करने वाले व्यक्ति के जीवन में हर समय सुख ही सुख है। उसके मन में कभी दुख नहीं होगा। राम भजन करने वाले आदमी के शरीर में दुख हो सकता, शरीर में तकलीफ हो सकती है। राम भजन करने वाले आदमी के शरीर में बीमारी हो सकती है, उसके मन में बीमारी नहीं होगी। शरीर की बीमारी के लिए दवा खाने की जरूरत है और मन की बीमारी के लिए भजन की जरूरत है। लेकिन भजन ये राम राम जपना भजन नहीं है, ये गायत्री जप लेना, कबीर का नाम जप लेना, ये भजन नहीं है। मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ना ये भजन नहीं है, पूजा है, पाठ है, कर्म कांड है। घर के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ प्रेम का, सेवा का, समता का, एकता का सुंदर व्यवहार करना, जानबूझ करके तन से मन से वचन से किसी को तकलीफ न देना और मन में संतोष, अच्छे विचार बनाकर रखना, आत्मचिंतन करना, यह राम भजन है। और इस राम भजन में आनंद ही आनंद है। मूल पद में कबीर साहब का कह रहा था, कुछ लेना ना देना मगन रहना। आप मगन रहना चाहते हो ना? साहब कहते हैं उसका रास्ता मैं बताता हूं। कुछ नहीं करना होगा,
काम धाम तो करना होगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं करने मतलब आप आलसी बनकर घर में बैठ जाओ, काम धाम करना बंद कर दो। लेकिन बहुत दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, किसी से कुछ लेना मत और किसी को कुछ देना मत, सदैव मगन रहोगे। अब आप कहोगे कि किसी से कुछ लेंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं, तो व्यवहार कैसे चलेगा? सारा व्यवहार तो लेन देन का व्यवहार ही, हम कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। आप अन्न पैदा करते हो, गेहूं है, धान है, मक्का है, बाजरा है, जो भी है, बाजार में बेचते हो, वहां से सौदा खरीद कर लाते हो, कुछ आपने अन्न दिया, कपड़ा लिया, दवाई लिया, तेल घी आदि लिया, तमाम चीज़ें लिया, किसी को दिया, किसी से लिया, ये तो व्यवहार है। और साहब कहते हैं कुछ लेना भी मत कुछ देना भी मत, तो जीवन कैसे चलेगा फिर? जीवन चलाने के लिए लेना देना पड़ेगा, लेकिन क्या नहीं लेना है और क्या नहीं देना है, जानबूझ करके किसी की गलती को अपने मन में मत लेना, और जानबूझ कर तन मन वचन से किसी को दुख मत देना, बस ये दो काम करना होगा। यही राम भजन है। हर आदमी से गलती होती है, गलती तो हो गई, किसी ने आपको गाली दे दिया, किसी ने आपको अपमान कर दिया, किसी ने आपकी निंदा कर दिया, किसी ने आपका काम बिगाड़ दिया, और इसको लेकर के आप बराबर मन में सोच रहे हो, उन्होंने मुझे गाली दिया, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा नुकसान कर दिया, उन्होंने गाली दी, दो चार सेकंड, और सोच सोच करके बराबर आप अपने को बार बार गाली दे रहे हो, उन्होंने गाली दिया, जितनी याद करोगे मन में गुस्सा आएगा, और जितना गुस्सा आएगा आपकी शांति नष्ट हो जाएगी, जितना गुस्सा आएगा आपका सुख खत्म हो गया। उन्होंने गाली दिया कितने देर के लिए? दो चार दस सेकंड, एक मिनट, बस बात खत्म। लेकिन जितनी बार याद करोगे उतनी बार आप अपने को गाली दे रहे हो, क्योंकि गलती को मन में ले लिया हो उसके, वहीं के वहीं भुला दो, वहीं के वहीं छोड़ दो, उसको मन में लेने की जरूरत नहीं है। और जितना मन में लोगे उतना अशांत रहोगे, और आदमी की गलती यही होती है। दो साल, चार साल, छः साल, आठ साल, दस साल, पंद्रह साल बीत गए, किसी ने कुछ कहा, और उसको पंद्रह साल बाद भी याद कर करके दुखी हो रहे हो, कहाँ राम भजन हो रहा है भला? ये सारी बातें मुर्दा बातें हैं। किसी के शरीर छूटता है, जीव निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया, अब उस मुर्दा को ले जाकर के आप शमशान घाट में या तो चिता बना करके जला देते हो, या गड्ढा खोद करके दफना देते हो कब्र में। जला दिए चिता में तो कुछ देर में, घंटा दो घंटा में जल करके राख हो गया मुर्दा। गड्ढा खोद करके दफना दिए कब्र में तो कोई भी समझदार आदमी, समझदार क्या पागल आदमी भी, उस मुर्दा को कब्र से निकाल करके देखता नहीं है। मेरी पत्नी लेटी है इसके भीतर, मेरा पति लेटा है, बेटा लेटा है, पिता लेटे हैं, गुरु महाराज लेटे हैं, उस मुर्दा को निकाल कर देखते नहीं हो। एक बार जमीन में गाड़ देते हो तो सदैव के लिए गाड़ देते हो। अब देखो क्या करेगा, मुर्दा सड़ेगा, सड़ेगा, उसमें से तो बदबू फैलेगी, अब बदबू फैलेगी तो बीमारी फैलेगी। इसलिए कोई आदमी मुर्दा को निकाल कर देखता नहीं है। पत्नी ने कभी कुछ कह दिया, दो दिन चार दिन दिन पहले अनसुहाती बात कह दी पत्नी ने, पति ने कह दिया है, सास ने कह दिया है, बहू ने कह दिया है, बेटा ने कह दिया है,
माता पिता ने कह दिया है, कितने दिन हुआ है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, अब मुर्दा निकाल कर देख रहे हो, मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा कहा, मेरे पति ने कहा, मेरे बेटे ने कहा, मुर्दा को खोद खोद कर निकाल रहे हो, सड़ेगा मन आपका, कहाँ राम भजन हो रहा है। देख लो घर में होता या नहीं होता, ये क्या अब करते नहीं करते हो। सास ने डांट दी है बहू को, 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना भर हो गया है, बहू ने सास को कुछ कह दिया है, पिता ने कह दिया है, अब उसी बात को ले ले करके, गुरु ने ही कह दिया है, गुरु जी ने मुझे डांटा सबके बीच में, मुर्दा महीना भर पहले डांटा था, अब आज याद कर रहे हैं मुर्दा को। दिमाग तो सड़ेगा, मन भी सड़ेगा, अब बीमारी तो आएगी आएगी, कहाँ खुश कहाँ सुख से जीवन जियोगे। राम भजन करते हो, अपने को बड़ा बुद्धिमान मानते हो, समझदार मानते हो, ज्ञानी भी मानते हो, सत्संगी भी मानते हो, भगत भी मानते हो, गुरु के चेला भी मानते हो, और मुर्दा खोद खोद कर निकाल रहे हो। उन्होंने एक बार गलती की, उस गलती को बार बार आप रिपीट कर रहे हो, आपका सुख खत्म होता चला जाएगा, ये भूल मत करिए। दफना दीजिए आप, याद करनी है ना तो अच्छाई को याद करें। हर गांव में मंदिर होते हैं, आपके गांव में भी मंदिर है, कई मंदिर हो, ये देखो अभी कल देखा, सुबह निकले घूमने के लिए, मंदिर बना है बाहर, बत्तियां जल रही थी, प्रकाश दूर तक फैल रहा था, छोटे छोटे भी मंदिर है, हर गांव, छोटा से छोटा गांव क्यों ना हो, हर गांव में मंदिर होते हैं, और हर गांव में शमशान घाट होता, कब्रिस्तान होता है, क्योंकि लोगों जन्म ही नहीं होता, मौत भी होती है। मंदिर में किसकी पूजा होती, किसकी आराधना होती है, प्रतिष्ठा किसकी होती है, भगवान की। किसी की भी मूर्ति हो, किसी का मंदिर हो, मानते हैं कि वहाँ भगवान रहता है मंदिर में, और शमशान घाट में क्या करते हो, जो किसी काम लायक नहीं रह गया है मुर्दा, उसको ले जा करके दफना देते हैं, गाड़ देते हैं, ये बात आप अच्छी तरह जानते हो। सुख से जीना चाहते हो, हमेशा राम भजन करना चाहते हो हमेशा, तो दो बातें याद रखना, अपने हृदय में भी, हृदय के एक कोने में मंदिर बना करके रखो, और एक कोने में शमशान घाट बनाकर, कब्रिस्तान बना करके रखो। अब मंदिर में क्या करना है, मंदिर में मानते हैं कि भगवान है, आपकी पत्नी में, पति में, साथ में, बहू में, पिता में, पुत्र में, भाई में, भाभी में, गोतनी में, ननद में, भावज में, रिश्तेदार में, जो अच्छाइयाँ हैं, जो सद्गुण हैं, उनके जो सुंदर आचरण हैं, उसको अपने हृदय के मंदिर में विराजमान कर दो, और रोज़ उसकी भक्ति करो, रोज़ उसकी याद करते चले जाओ। जैसे मंदिर जाते हो आप दर्शन करने के लिए ना, रोज़ सोचो पिता, पुत्र, भाई, बंधु, पति, पत्नी की जो अच्छाई है, जो सद्गुण है, उसको हृदय के मंदिर में विराजमान करो, और इनमें जो गलतियां हैं, दो से दुर्गुण हैं, उसे हृदय के संतान घाट में दफना दो सदा के लिए, घर स्वर्ग बन जाएगा, जीवन स्वर्ग बन, मन स्वर्ग बन जाएगा, यही राम भजन करना है। और ऐसा राम भजन जो करेगा, उसके जीवन में आनंद आनंद ही रहेगा। बाहर का राम भजन खूब हो रहा है, लेकिन ये राम भजन जो बता रहा हूं मैं, ये किसी मतपंथ की बात नहीं है, ये मनुष्य मात्र की बात है, क्योंकि हर आदमी में अच्छाई है, हर आदमी में बुराई है, हर आदमी में सद्गुण है, हर आदमी में दुर्गुण है। तो आपके परिवार में जो लोग हैं, उनके सद्गुणों को हृदय के मंदिर में विराजमान करो, और दुर्गुणों को हृदय के शमशान घाट में दफना दो। और जैसे मुर्दा दफना दिया, देखा नहीं जाता, दफना करके भूल जाओ उसको। कहीं भी रहोगे, जीवन में सुख की धारा बहती चली जाएगी। हम उल्टा करते हैं,
मुर्दा को बार बार खोद करके देखते हैं, और जो मंदिर में बैठा सद्गुरु उसको भुला देते हैं। आपके घर के लोगों में अच्छाइयां है, कितनी याद करते हो उनको? बुराई तो बराबर याद करते हो, उनकी गलती को बार बार टोकते हो, लोगों चर्चा भी करते हो, बेटा ने ऐसा कहा, बहू ने कहा, सास ने कहा, माता पिता ने कहा, बेटे ने कहा, भैया सब के में बेटा ने ऐसा कह दिया, बराबर उसकी याद करते हो, सुख कहाँ मिलेगा, शांति से जियोगे कैसे? बहुत सरल है राम भजन, आत्मा परमात्मा की बात एक और रखो पहले, ये भजन जो होगा तब आत्मा परमात्मा की बात समझ में आएगी। साहब कहते हैं कुछ लेना मत, किसी की गलती को अपने मन में मत लेना, किसी की गलती की नकल मत करना, वो गलती कर रहा है तो हम भी ऐसी गलती कर ले, उन्होंने गलती की नुकसान उसका होगा, हम गलती करें नुकसान हमारा हो जाएगा, किसी की गलती हमें भी गलती करने के लिए परमिशन नहीं होती है, उन्होंने गलती की तो हम भी वैसा गलती कर ले, अरे वो तो नादान है ना समझ, उन्होंने गलती कर ली, आप तो समझदार है ना, क्यों दोहराते हो गलती को फिर? इसलिए किसी की गलती की नकल मत करना। साहब कहते कुछ देना मत, अब क्या नहीं देना है? तन से मन से वचन से किसी को जानबूझ करके दुख मत देना, क्योंकि किसी को दुख दोगे तो दुख लौट करके अपने पास आएगा, किसी को तकलीफ दे करके कोई सुखी नहीं हुआ है आज तक, इसलिए तन मन वचन से जानबूझकर कभी किसी को तकलीफ मत दो। चार वेद छह शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दिन ही सुख होता है, दुख दिन ही दुख होए, सुख चाहते तो सुख दो, चाहते हो सुख और बांटते हो दुख, जो बांटोगे वही मिलेगा ना, खेत में जैसे बीज बोओगे वैसी फसल तैयार होगी, धान बोगे धान मिलेगा, मक्का बोगे मक्का मिलेगा, गेहूं बोगे गेहूं मिलेगा, चना बोगे चना मिलेगा। दुर्भाग्य यह है हर किसान को मालूम है कि खेत में जैसा बीज बोऊंगा वैसी फसल होगी, लेकिन मालूम नहीं किसी व्यक्ति को कि जीवन में मैं दुख का बीज बो रहा हूं तो मुझे सुख कहाँ से मिलेगा। बोते हो दुख के बीज और काटना चाहते सुख की फसल, कैसे होगा? कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर कमाई अपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ बो करके आम की फल खाने की आशा करना अपने को धोखा देना है। बबूल बोए हो तो कांटे ही मिलेंगे, गुलाब का फूल नहीं आ जाएगा उसमें से। बबूल का बीज, अब तो गर्मी आ गई है ना, बबूल में फली आ जाएगी, अब बैसाख बीते बीते जेठ डरता तो बबूल से बबूल में फलें आ जाएगी और फल पक जाएंगे। बबूल के बीज इकट्ठे कर लो और बढ़िया जमीन में खूब खाद पानी दे करके बबूल का बीज बो दो, और बबूल के बीज बोने के पश्चात उस बबूल के बीज को रोज गंगा जल से सींचो और वहाँ बैठ करके कथा करो, कीर्तन करो, अखंड पाठ करो, अखंड जागरण करो, नाम जपो, पूजा करो, आरती करो, वंदना करो, धर्मशास्त्रों का पाठ करो, और सोचोगे भले मैंने बबूल का बीज बोया है लेकिन इसे मैंने गंगा जल से सींचा है, यहाँ बैठ करके मैं भक्ति किया हूँ, अब इसमें कांटे नहीं आएंगे, कभी होगा भला? बबूल का बीज बो चाहे गंगा जल नहीं अमृत से सींचोगे तो भी कांटे ही आएंगे, चाहे जिसका भी नाम जप लो। इसी प्रकार किसी को तकलीफ दे करके
किसी का भी नाम जपो, किसी भगवान की पूजा करो, कोई भगवान आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगा, आपको दुख ही देगा। भगवान न्याय है, भगवान व्यवस्था है, भगवान को ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहीं बैठा हुआ है। जो नियम है, जो व्यवस्था है, जो न्याय है, वो भगवान है। या बाहर के न्याय में हम और आप न्याय करेंगे, इस न्याय में भूल हो सकती है, हमारी व्यवस्था में भूल हो सकती है, लेकिन कुदरत का जो न्याय है, प्रकृति का जो न्याय है, उसमें कभी भूल नहीं होती है। वो सबके लिए बिल्कुल एक जैसे, जो जैसा करेगा वैसा ही फल देती है कुदरत। उसे प्रकृति कहो चाहे उसी को भगवान कह लो, तो भगवान एक व्यवस्था है, भगवान एक नियम है, न्याय है। जो जैसा करेगा वैसा उसे फल मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं, मगन रहना चाहते हो, सुख से जीना चाहते हो, तो जानबूझकर किसी को तकलीफ मत दो। जो व्यक्ति तन से, मन से, वचन से किसी को भी तकलीफ नहीं देता, वही सच्चा संत है। और वही समझ लो, मान लो भगवान रूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा है, बहुत काम की चीज है। तुलसीदास जी कहते हैं, तन कृत मन कृत वचन कृत काहू दूसत नाही, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाही। जो तन से, हम शरीर से दुख देते हैं, किसी को हाथ से मारते हैं, डंडा से मारते हैं, लाठी बंदूक से मारते हैं, तीर तलवार से मारते हैं, कतल नहीं कैसे कैसे मार करके तकलीफ देते हैं किसी को। वचन से दुख देते हैं, झूठ बोलकर, गाली बोल करके, निंदा करके चुगली करके दुख देते हैं। और मन से दुख देते हैं, ईर्ष्या करके, घृणा करके, गलत सोच करके। गोस्वामी जी कहते हैं, जो तन से, मन से, वचन से कभी किसी को तकलीफ नहीं देता, वो चलता फिरता भगवान राम के समान है। आप राम बन सकते हो, वो राम नहीं अयोध्या हुए हैं, लेकिन राम रूप आप हैं, राम के समान हो जाएंगे, मतलब कल्याण रूप हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। राम का मतलब क्या है? आदर्शवान होना, चरित्रवान होना, सद्गुण सहचारी होना, यही राम की भक्ति है, यही है राम रूप होना, भगवत स्वरूप हो जाना। हर आदमी भीतर भगवान बैठा हुआ है, हर आदमी के भीतर, जानते नहीं हैं, भूल गए हैं। जिन्होंने दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दिया, उसके भीतर भगवान प्रकट हो गया। तो ये जो तकलीफ, ये जो बात है कि किसी को तकलीफ न देना, यही राम भजन करना है। फिर आप जिसके भजन करना चाहो करो, कौन मना करता है आपको? और दो बातें जो अभी कही गई, कि किसी की गलती को मन में मत लेना और किसी को तकलीफ न देना, इसके समान दुनिया में कोई भजन नहीं है। सबसे बड़ा भजन यही है। इसे आप राम भजन कहो, रहीम भजन कहो, हरि भजन कहो, शिव भजन कहो, या कुछ भी भजन कह लो, कबीर भजन कह लो, जो भी नानक भजन कहो, जो भी कह लो, शब्दों से अर्थ नहीं बदल जाता है। लेकिन हम भूल गए हैं, सुधारने की बात नहीं हो पाती है। हम लोग मन पर बैठ करके ज्ञान की बातें कह देते हैं और आप लोग नीचे बैठ करके सुन लेते हैं, न हम सुधरते हैं न आप सुधरते हो। ये दुनिया में जो समस्याएं आई हुई है, सब किसी के हाथ महाराज, जमाना बहुत बिगड़ गया, जमाना बहुत खराब आ गया है, बहुत बेईमानी बढ़ गई, भ्रष्टाचार बढ़ गया,
ये बेमानी करने वाला कौन, आकाश से आ रहा है क्या? ये जमाने को बदलने, जमाने को बिगाड़ने वाला कौन? कोई आकाश से आ रहा है, कोई शैतान आ रहा है? ये धरती पर रहने वाला आदमी, और हर आदमी किसी न किसी के की भक्ति करता है, राम की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति करता है, श्री हनुमान की भक्ति करता है, अल्लाह खुदा की भक्ति करता है, ईसा की भक्ति करता है, किसी और की भक्ति करता है। हर एक आदमी, एक और तो आदमी भक्ति कर रहा है और दूसरी ओर कैसे कैसे काम कर रहा है। बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, दो दो घंटा मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे और दुकान में जाएंगे तब मिलावटबाजी करेंगे, गबन घोटाला करेंगे, दो नंबर का सौदा बेचेंगे। बड़े बड़े भगवान के भक्त हैं, दो दो घंटा भगवान की भक्ति कर रहे हैं और ऐसी भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते रोने लग जाते हैं, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा भगत यही है, और जब ऑफिस जाएगा तब बिना घुस लिए काम नहीं करते हैं। कौन सी भक्ति हो रही है? कहाँ भगवान को समझ पाया है? जो सच्चा भगत होगा, चाहे किसी की का भगत हो, अमुक की भक्ति की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी का भी भगत हो, जो सच्चा भगत होगा वो मिलावटी माल नहीं बेचेगा। यदि मिलावटी माल बेच रहा है तो भगवान का भगत नहीं है, वो शैतान का भगत है। जो सच्चा भगत होगा, किसी का भी कभी भगत हो, वो कभी किसी से घूस नहीं लेगा। यदि घूस ले रहा है तो भगवान का भगत नहीं है, वो शैतान का भगत है। जो सच्चा भगत होगा, कभी लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करेगा। यदि मारपीट करता है तो वो शैतान का भगत है। अब सोचो, भगवान की भक्ति चल रही जीवन में या शैतान की भक्ति चल रही है? आज तक जीवन जीते हुए आए हैं, थोड़ी बात मेरी कड़वी लगेगी किसी किसी को, आज तक जो जीवन जीते आए हैं उसमें भगवान की भक्ति करते हुए आए हैं कि शैतान की भक्ति कर रहा है? सत्संग तो कर रहे हो, मंदिर भी जा रहे हो, गंगा भी नहा रहे हो, तीर्थ भी नहा रहे हो, लेकिन भक्ति भगवान की हो रही है या भक्ति शैतान की हो रही है? एक बार गंभीरता से विचारना तो पता चलेगा कितना हम रास्ता भटक चुके हैं और इसीलिए सुख नहीं मिल पा रहा है। अब रास्ता बदलना होगा। शैतान की भक्ति बहुत हो गई, अब भगवान की भक्ति। अब भगवान की भक्ति का मतलब जानबूझ करके, चाहे किसी भी रूप में किसी को तकलीफ न देना, किसी को दुख न देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है और यही सबसे बड़ा धर्म है। रामचरितमानस आप लोगों ने पढ़ा होगा, रामायण कौन नहीं पढ़ जानता है? भला गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, इस दुनिया में दूसरों की भलाई करने के समान, दूसरों की सेवा करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को पीड़ा देने के समान कोई अधर्म नहीं है। लाठी डंडा से तो नहीं मार रहे हो, लेकिन जबान से मार रहे हो। ये कटु बोलना क्या है? गाली देना क्या है? व्यंग करना क्या है? निंदा करना क्या है? जबान से तो मारना है ना। लाठी डंडे के मार से जो घाव होता है शरीर में, वो घाव दवाई से भर जाता है, लेकिन जबान के जो की जो मार होती है हृदय में, वो घाव जल्दी भरता नहीं है। अब भक्त और भगवान की भक्ति बहुत हो रही है, कहाँ समझे हैं हमने भगवान की भक्ति को? क्यों सुख नहीं मिल रहा है?
सत्संग भी कर रहे हो, गंगा भी नहा रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी कर रहे हो, अब पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। क्यों जल रहा है मन आपका? क्यों पीड़ित है आपका मन? क्यों अशांत है आपका मन? क्यों रात में नींद नहीं आ रही है? क्योंकि भक्ति शैतान की हो रही, बाहर से भक्ति भगवान की और भीतर भक्ति शैतान की। भगवान के भगत को शिकायत नहीं आएगी कि मुझे रात में नींद नहीं आती है, शिकायत होगी शैतान के भगत को। कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने भीतर में शैतान बैठा हुआ है। और भीतर के शैतान को दूर कर लेना, यही राम भजन करना है। इले साहब कहते हैं, जो सुख हो ये राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। राम भजन में जो सुख मिलेगा, वो सुख अमीरी में नहीं मिलने वाला है। अमीरी में आपको सुविधा मिले, कुछ लेना न देना, मगन रहना। साहब कहते मगन रहना चाहते हो ना हर समय, तो किसी की गलती को अपने मन में मत लेना और जानबूझकर किसी को दुख मत देना, बस सच में मगन रह जाओगे। दुनिया में पाने का सबसे बढ़िया तरीका है देना और बांटना। आप जो पाना चाहते हो अधिक से अधिक लोगों को बांटना शुरू करो। प्रेम पाना चाहते हो प्रेम बांटना शुरू करो, दया पाना चाहते हो दया बांटना शुरू करो, क्षमा पाना चाहते हो क्षमा पाना शुरू करो, मीठी वाणी पाना चाहते हो मीठी बांटना मीठी वाणी बांटना शुरू करो। जो बांटोगे वही मिलेगा। अब सोचो कि आज तक क्या बांटते आए हैं, जो बांटते आए हैं वही आपको मिल रहा है। मिल रहा है वही तुमको, जो कि पहले से दिया है उसी का फल सामने है, सुबह सुबह जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो अब न बोना, उठो मानो आँख खोलो सो चुके हो अब न सोना। इसलिए रास्ता बदलना है अब। और रास्ता बदलना क्या है? जो कहा गया है, ऋषियों ने कहा था कभी, असतो मा सदगमय, असत्य से में सत्य की ओर ले चलो। मृत्युर्मा अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। और तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर की यात्रा, असत्य से सत्य की ओर की यात्रा और मृत्यु से अमरता की ओर की यात्रा, इसी का नाम है भजन करना। अब तक हमारी यात्रा सत्य से असत्य की ओर रही है, अमरता से मृत्यु की ओर रही है, प्रकाश अंधकार की ओर रही है। इसीलिए जीवन में दुख है, इसीलिए जीवन में पीड़ा है। अब दिशा बदल देनी होगी। अब अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान का जो अंधकार है उधर से हट करके ज्ञान प्रकाश की ओर जाना है। असत्य की ओर मोह माया की तरफ जो यात्रा थी, उधर जो गति थी उसको मोड़ करके सेवा भक्ति की ओर यात्रा कर देना है। बद भजन हो गया। अब यही सुख से जीने का रास्ता है। तो साहब कहते हैं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। मिट्टी पानी आग हवा आकाश, ये पांच तत्व हैं। इन पांच तत्वों से ये शरीर भी पिंजड़ा बना हुआ है, लेकिन ये पिंजड़ा सच नहीं है। एक दिन बना है, एक दिन पिंजड़ा, ये टूट जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। ये जो बोलने वाला है ये पिंजड़ा नहीं बोल रहा है, इस पिंजड़े के भीतर जीव रूपी पक्षी बैठा हुआ है जो बोल रहा है। वो दिखाई नहीं पड़ता। एक बात और याद रखें, जो झूठ चीज होती है वो दिखाई पड़ती है,
जो सच होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, और जो दिखाई नहीं पड़ती है वही महत्वपूर्ण होता है। जैसे पेड़ दिखाई पड़ता है, जड़ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन वही जड़ पूरे पेड़ को संभाल करके रखी हुई है। बिना पेड़ के जड़ हो सकती है, लेकिन बिना जड़ के पेड़ नहीं होगा, और जड़ दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन महत्वपूर्ण कौन है, दिखाई पड़ने वाला पेड़ या दिखाई न पड़ने वाली जड़? मकान दिखाई पड़ता है, नींव दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन जो नींव दिखाई नहीं पड़ रही है वही नींव मकान को संभाल करके रखी हुई है। नींव को खोद कर निकाल दो, मकान को गिरने में देर न लगेगी। बिना मकान के नींव हो सकती है, लेकिन बिना नींव के मकान नहीं होगा, यदि होगा तो गिर जाएगा। ऐसे ही बिना जीव के शरीर नहीं होगा, बिना शरीर के जीव हो सकता? जीव मुक्त हो गया, बिना शरीर के रह जाएगा, लेकिन जैसे जीव इस शरीर से जीव निकला, बस शरीर समाप्त। तो ये जो पिंजरा है शरीर, ये दिखाई पड़ रहा है, बोलने वाला शरीर नहीं है, बोलने वाला वो पक्षी है, जीव है। उस जीव का ज्ञान है या नहीं है? सुबह बात आई थी, जिंदगी बीत जाती है, आदमी को अपने आप का ज्ञान नहीं होता। मैं कौन हूँ यही नहीं जान पाता आदमी। ईश्वर को जानना चाहता है, ब्रह्म को जानना चाहता है, भगवान परमात्मा को जानना चाहता है, खुदा गाड़ को जानना चाहता है, देवी देवता जानना चाहता है, स्वर्ग नरक को जानना चाहता है, लेकिन आदमी अपने को नहीं जान पाता। और जो अपने को नहीं जानेगा वो किसी को नहीं जानेगा। लोग पूछते हैं, महाराज भगवान कहाँ मिलेगा? पहले ये जानो कि तुम कौन हो जो भगवान को खोज रहा है। इसलिए भगवान को मत खोजो, भगवान को खोजने वाले को खोजो। और जिस दिन भगवान को खोजने वाले के पता चल जाएगा, भगवान खोजना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि पता चलेगा जिसे मैं खोजता था वो तो मैं ही हूँ। भगवान ही भगवान को खोज रहा है, आप स्वयं परमात्मा रूप हैं। साहब ने कहा इसी में, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। ये विवेक विचार नेत्र को खोल करके देखो, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को, जिस ईश्वर ब्रह्म को बाहर खोदना चाहते हो, वो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ है। भटकना नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। सब घट मेरा साइया सुनी से न कोय, बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट हो। ये कबीर साहब साखियाँ सबको याद है। और साहब क्या कहते हैं, घट घट में वही साई बसता है, कटुक वचन मत बोल रहे। जिस साई को, जिस परमात्मा को, जिस भगवान को मंदिर मस्जिद में खोज रहे हो, गिरजा गुरुद्वारा में खोज रहे हो, मठ मंदिरों में खोज रहे हो, तीर्थों में खोज रहे हो, वह साई, वह परमात्मा, वह भगवान घट घट में बसा, हर घट में, हर शरीर में बसा हुआ है। कोई शरीर से खाली नहीं है। लेकिन साहब क्या कहते हैं, कटुक वचन मत बोल रहे, किसी से कटु वचन मत बोलो। बस जब घट घट में परमात्मा है, घट घट में खुदा है, घट घट में राम है, रहीम है, तो किसी कटु वचन कहना मत लो। भगवान को कटु वचन कहना है। भगवान की पूजा की जाती है, भगवान की भक्ति की जाती है, भगवान की आराधना की जाती है, और आदमी भगवान को गाली दे रहा, भगवान को कटु कर, क्योंकि घट घट में है ना। ईश्वरा स्वरभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिस ईश्वर को तुम खोज रहे हो बाहर, वह ईश्वर तो प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। इसीलिए किसी का दिल दुखाना मानो ईश्वर का दिल दुखाना है। यही तो करते आए हो ना,
ये तो करते आ रहा है आदमी। मंदिर में पूजा करेगा और घर में आकर घर वालों को दिल दुखाएगा, वो भगवान का खुद कैसे हो जाएगा। इसलिए दिल दुखाना बंद कर दो, किसी के दिल दुखाना मान लो भगवान का दिल दुखाना, किसी गाली देना भगवान को गाली देना, क्योंकि घट घट में वो है, तो करना क्या है। कटु वचन मत बोल रहे, कटु बोलना बंद कर दो। सबसे मीठी वाणी में, कोमल वाणी में, प्रेमपूर्ण वाणी में, मधुर वाणी में बात करें, राम भजन हो गया, भगवान खुश हो जाएगा। भगवान सामने विराजमान है ना, बैठा हुआ प्राणी के रूप में, भटकना नहीं है। साहब कहते हैं जिसको तुम खोद रहे हो तमाम क्रियाकलाप में, वह तो तेरे भीतर विराजमान है, तेरा पिया तेरे मन में बसा है, खोल कर देखो नैना। विवेक और विचार के नेत्र को खोलो। ये जो बाहर की आँखें हैं, इन आँखों से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। परमात्मा को देखना है तब अंदर की आँख, ज्ञान और भक्ति की आँख, विवेक और विचार की आँख, ये खोलना होगा, तब पता चलेगा। विचार करो और विवेक करो, आखिर मैं कौन हूँ जो परमात्मा खोज रहा हूँ। परमात्मा भी मिलेगा बाहर से तो छूट जाएगा, और जो परमात्मा मिले और छूटे वो परमात्मा कैसे होगा। जो मिलता और छूटता है, जन्मता मरता है, वो परमात्मा नहीं, वो मायावी वस्तु होती है। संतों आवे जाए समाए, परमात्मा वह है जो कभी खो नहीं सकता है। सब दुनिया में हर चीज़ खो जाती है और खो सकती है, परमात्मा नहीं खोया। कभी आपको लगता है कि मैं खो गया था? खोया ही कहाँ है, लेकिन हम भटक रहे हैं। वो कहानी याद करो, कबीर साहब की साखी है, वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए पारख राखे साथ। वस्तु कहीं और हो, खोजे कहीं अलग, मिलेगी कैसे। साहब कहते हैं सज्जन वह प्रशंसनीय है जो अपने साथ में पारख रखता है, विवेक रखता है। एक कहानी महात्मा लोग कहा करते हैं, शाम का समय था, एक बूढ़ी माँ कपड़ा सिलने का काम कर रही थी, थोड़ा अंधेरा होने लगा था। कपड़ा सिलते सिलते बूढ़ी माँ किसी काम से उठी, आधा घंटा बाद काम करके आई, तो जिस सुई से कपड़ा छिल रही थी वो सुई खो गई। सुई खोदने लगी, अंधेरा हो गया घर में, और इतने में घर के बाहर सड़क की बत्ती जल गई। जब बत्ती जली तो बूढ़ी माँ सड़क, घर से बाहर निकल कर सड़क पर आ गई और वहाँ अपनी सुई खोदने लगी। चार छह युवक आ गए, युवकों ने पूछा माँ कुछ खोद रही हो क्या, कोई चीज़ खो गई है। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटा मेरी सुई खो गई है, उसी को खोद रही हूँ। तो युवकों ने सोचा माँ बूढ़ी है, रात का समय है, इसे बराबर दिखाई नहीं पड़ता होगा, चलो हम लोग भी सुई को खोदने में सहयोग कर देते हैं। वो युवक भी सुई खोदने लगे। आधा घंटा बीत गया सुई खोजते खोजते, सुई नहीं मिली। तो एक युवक ने पूछा माँ यहाँ तो बहुत देर हो गया सुई खोदते खोदते, मिल नहीं रही है, आपकी सुई खोई कहाँ पर है। तो बूढ़ी माँ ने कहा बेटा सुई तो घर के भीतर खोई हुई है। तो युवक ने हैरान होकर कहा माँ जब सुई घर के भीतर खोई हुई है तो सड़क पर क्यों खोजती हो, घर में खोजो। उसने कहा बेटा सड़क पर, घर में तो अंधकार है, और अंधकार में सुई कैसे मिलेगी, सड़क पर प्रकाश है, प्रकाश में सुई मिलेगी ना। तो युवकों ने कहा माँ यदि सुई घर के भीतर खोई हुई है तो बाहर हजार बल्ब जल जाए
सुई नहीं मिलेगी, घर के भीतर प्रकाश दिया जलाना हो, घर के भीतर प्रकाश करना होगा। इसी प्रकार हमारा परमात्मा खो गया है और हम भटक रहे हैं। क्यों? बाहर दिया जला करके, मंदिर में दिया जलाते हैं, नदी में दिया जलाते हैं, खेत में दिया जलाते हैं, और परमात्मा बैठा है हृदय में, यहाँ दिया कभी जला ही नहीं ज्ञान का। पहले सोचो तो कि सोचो तो परमात्मा कहाँ खोया हुआ है? क्या मंदिर में आपको परमात्मा खो गया है कि गंगा में खो गया आपका परमात्मा, कि केदारनाथ बद्रीनाथ में जगन्नाथ नाथ में खोया आपका परमात्मा? वहाँ दिया जला रहे हो, हृदय मंदिर में परमात्मा है, यहाँ कभी दिया जलाया कि नहीं जलाया? बाहर दिया जलाओ, मंदिर में जलाओ, घर में जलाओ, आंगन में जलाओ, चौखट पर जलाओ, खेत में जलाओ, गंगा में जलाओ, जलाओ दिया जितना जला सकते जलाओ। लेकिन जब तक हृदय में ज्ञान का दिया नहीं जलाओगे, जब तक हृदय में भक्ति का, प्रेम का, धर्म का दिया नहीं जलाओगे, हजारों दिए जलते रह जाएं बाहर, परमात्मा मिलने वाला नहीं है। और जिस दिन हृदय में सच्चे ढंग से ज्ञान का, भक्ति का, धर्म का दिया जल जाएगा, बाहर में दिया जलाने का आवश्यकता खत्म हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब मूल बात कहते हैं, अंधकार हृदय में है, दिया जला रहे हैं मंदिर में जा करके। मंदिर में दिया जलाओगे तो भीतर हृदय का अंधकार दूर कैसे होगा? मंदिर में भी दिया जलाओ और साथ साथ हृदय में ज्ञान का, धर्म का दिया जलाओ। बाहर भी प्रकाश हो जाएगा, भीतर भी प्रकाश हो जाएगा। लेकिन हम केवल बाहर प्रकाश कर रहे हैं, भीतर में प्रकाश नहीं करें। भीतर में अभी तक ज्ञान का दिया जला नहीं, भीतर अभी तक धर्म का दिया जला नहीं, न तो भक्ति का दिया जला, न प्रेम का दिया जला। जब दिया जला ही नहीं है तो परमात्मा मिलेगा कैसे? परमात्मा की अनुभूति कैसे होगी? परमात्मा नहीं मिल पाएगा, परमात्मा साक्षात्कार नहीं होगा तो आनंद कहाँ मिलेगा, सुख कहाँ मिलेगा, प्रसन्नता से जियोगे कैसे? चाहते हैं प्रसन्नता से जीना, लेकिन हृदय में तो अंधकार है, भटकाव है। इसलिए सारा काम जो आप कर रहे हैं, खेती करना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना, लिखाना पढ़ाना, ये सब काम करना होगा। अरे सब काम करते करते संतों की संगति करके हृदय में धर्म का, ज्ञान का, प्रेम का दिया जलाना होगा। और जिसके हृदय में ज्ञान का दिया जल जाएगा, भक्ति का दिया, प्रेम का दिया जलेगा, धर्म का दिया जलेगा, वो किसी गलती को अपने मन में बनाकर रखेगा नहीं और किसी को तकलीफ नहीं देगा। यही तो दिया जलने का अर्थ होता है। और ऐसा हो गया तब दुख कहाँ रह गया, पीड़ा कहाँ रह गई, सारा बंधन कट गया, आनंद ही आनंद रह गया। इल्ले साहब कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना, किसी से कुछ लेना मत, अर्थात किसी की गलती को अपने मन में मत लेना, उसको गलती को सोच सोच कर दुखी मत होते रहना, याद कर करके गुस्सा मत करते रहना। जितना गुस्सा करोगे उतना नुकसान होगा। आप कहते क्या हो भाई, उन्होंने ऐसी बात कह दी, ऐसा काम बिगाड़ दिया, मेरा तो खून खोल गया। भैया खून खोलता है तो भाप बनकर निकल जाएगा, फिर जियोगे कैसे? इसलिए खून खौलाओ मत, पानी खौलाओ बात चलेगा। लेकिन आप तो खून खौलाने के लिए बैठे हुए हो। न अपना खून खौलाओ, न दूसरे का खून खौलाओ, न अपने हृदय जलाओ, न दूसरे हृदय जलाओ। अपने हृदय को शीतल करो और दूसरे हृदय को शीतल करो। इसलिए साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। ये मन का अहंकार छोड़ करके ऐसी मीठी वाणी बोलो कि बोलते समय आपका मन शीतल हो और सुनकर दूसरे के मन भी शीतल हो जाए। यही राम भजन करना है। राम भजन करने वाला किसी को तकलीफ बेधने वाली बात नहीं बोलेगा, क्योंकि राम भजन करने वाले का मन शीतल रहेगा। राम भजन करने वाले के मन में ज्ञान का दिया जलेगा, भक्ति का, धर्म का दिया जलेगा। जब भक्ति दिया और धर्म का दिया जल रहा है तो किसी जलाने वाली बात क्यों जलाएगा? दिया जलाओ, लेकिन किसी का घर जलाने के लिए नहीं,
प्रकाश करने के लिए। अपने घर में प्रकाश करो, दूसरे घर में प्रकाश करो, अपने आनंद से जियोगे, दूसरे आनंद भी जियोगे, पूरी जिंदगी भर राम भजन होता रहेगा। और जो सुख हो है राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम बोलिए।